This video presented by Al-Sharay College Gulbarga. Admission are open for long-term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details, contact Al-Sharay Group of Institute. जो किसानों का आंदोलन जो गुलबर्गा एपीएमसी मार्केट से लेकर जेस्कॉम ऑफिस तक जो एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया, ये प्रोटेस्ट मार्च का डिमांड जो किसानों का है, जो जैसे सबको पता है कि गुलबर्गा में इस साल बारिश की कमी से काफ़ी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ हुआ है। अभी ये जो डिमांड है, ये डिमांड ये है कि भाई जो किसानों के पास ट्यूबवेल या बोरवेल्स हैं या ओपन वेल्स हैं, जो खुद अपने मोटर्स लगाकर अपने खेतों को इरिगेट करते हैं, ये लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पावर का सप्लाई का जो प्रॉब्लम चला हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है इसका टाइम एक्सटेंशन किया जाए, जो कि अभी प्रेजेंटली 4 से 5 घंटे जो दिया जा रहा है वो भी इंटरप्टेड है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस दिया जा रहा है, और इसके कोई टाइमिंग नहीं है। कभी मिडनाइट में देते हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे शुरू कर देते हैं, तो अंधेरे में किसान खेतों को जाके इस तरीके से इरीगेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों का ये डिमांड है, कर्नाटका प्रांत रहित संघ किसान सभा का ये डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी जो किसानों को दी जा रही है उसके टाइमिंग बढ़ाया जाए और डे टाइम में ये दिया जाए, ताकि किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके, पानी उनको अपनी फसलों को दे सके। अब जैसे सबको पता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर से उसके अलाइड सर्विसेज जो है और बहुत सारे शोबे से जुड़े हुए किसान होते हैं, जो मुख्तलिफ पेशे से अपना अपना के एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए या मीट प्रोडक्शन के लिए अपने पेशे से जुड़े हुए और काम करते हैं। अब जैसा कि मैं एक बात बता दूं, डेयरी फार्मर जो ओपन ग्रेजिंग करते हैं, ओपन ग्रेजिंग करके अपने जानवरों को चराना आप, या शिप फार्मिंग या गोट फार्मिंग करने वाले जो हैं, जो ओपन ग्रेजिंग करते हैं, ये अपने जानवरों को जंगलों में फिर घुमा के चरा के शाम को वापस लेके जाते हैं। ये जानवरों के लिए पानी का ज़रिया क्या रहता है? ये जानवरों के लिए पानी का ज़रिया होता है जो कैनाल्स बने हुए हैं, जो कैनालों को पानी जो छोड़ा जाता है, वो कैनालों के ज़रिए जो पानी इधर कहीं जमा होगा या कैनालों में पानी रहेगा, तो ये जानवरों के लिए भी एक सहूलत होती है। अब यहाँ पर देखिए, इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ बने हुए हैं, आप इरीगेशन मिनिस्ट्री ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ले लीजिए, आप सेरिकल्चर ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री ले लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज ले लीजिए, इतने मिनिस्ट्रीज बने हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए, इनके लिए, ये पेशे से जुड़े हुए किसानों के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे मिनिस्ट्रीज रहने के बावजूद, लेकिन किसानों का कोई पुरसा निहाल नहीं है। आज शुगर केन ग्रोअर्स पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके कई जगह पे बोरवेल सूख चुके हैं, कई जगह पे ओपन वेल सूख चुके हैं, तो इनके पास एक ज़रिया जो हुआ करता था पानी सप्लाई करने का, जो उनके अगर खेतों के सराउंडिंग में कहीं कैनाल गया हुआ है, वो कैनाल में जब पानी छोड़ा जाता है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, तो वो पानी लेकर वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। उसी तरीके से आप हॉर्टिकल्चर करने वाले किसान हैं, सेरिकल्चर करने वाले जो रेशम के लिए काम करने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स वगैरह के लिए उगा करने वाले किसान हैं, एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं, ये सारे फार्मर्स कहीं ना कहीं एक अपने जो सराउंडिंग कैनाल्स होते हैं उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है कि कैनालों को पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। कैनालों को पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो कैनाल बनाने का मकसद क्या था फिर? इतना करोड़ों रुपया जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपया आप कैनालों में डाल दिए, कैनाल बना दिए और कैनालों को सूखा छोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या है? और हर कैनाल के साथ जो है डैम अटैच रखे हैं या बैकअप रिजर्वर्स अटैच रखे हैं, तो ये डैम्स का पानी किस लिए रखा गया है? भाई ये अजीब सा माहौल है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो यही डिपार्टमेंट वाले, इरिगेशन वाले, ये सारे जो है ना कि डैमों के गेट खोल देते हैं। जब किसानों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बारिश हुई भी रहती है, कैनालों में पानी रहता है, तब उसके डैमों के गेट खोल देते हैं और कैनालों को पानी भर देते हैं। लेकिन आज जब किसानों को हकीकत में ज़रूरत है, जैसे 82% कम बारिश हुई है और गवर्नमेंट का इतना नेग्लिजेंस है हमारे गुलबर्गा को लेके कि गुलबर्गा को बरगाल डिक्लेयर नहीं किया गया, जबकि 82% रेन डेफिसिट ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। तो हमारा ये डिमांड है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है किसानों को, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, ये कम से कम 10 से 12 घंटे किसानों को पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाए,
ताकि अभी तो जैसे सबको पता है बारिश नहीं होने से तोर की फसल, मूंग की फसल जो थी सब तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि बारिश नहीं हुआ। जैसे सबको पता है कि वो इंडिया में हाईएस्ट तौर प्रोडक्शन जो होता है वो कर्नाटका में होता है। कर्नाटका में हाईएस्ट तौर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? गुलबर्गा में होता है। तो गुलबर्गा की इस साल की तो तौर मूंग तो ख़त्म हो गई। अब जो बचे हैं जो है इरीगेटेड क्रॉप्स हैं, रेनफेड क्रॉप्स तो ख़त्म हो गए। अब इरीगेटेड क्रॉप्स को जो पानी की सहूलत करना चाहिए गवर्नमेंट, वो पानी की सहूलत करने में नाकाम है। वो इसलिए नाकाम है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं दे रही है, और साथ ही साथ जो इरीगेशन के कैनाल्स बने हुए हैं वो कैनालों को पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो हमारा ये डिमांड है कि भाई ये जिस तरीके से आप बीजेपी की नीति को यहाँ कर्नाटका में लागू करने जा रहे हैं, जैसे कर्नाटका में अभी बीजेपी को हराई है यहाँ की जनता, यहाँ के किसान मिलकर, फिर कर्नाटका में ऐसा ना हो कि कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही कुछ एक्शन लेना पड़े। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर जो तीन काले कानून वापस करवाए थे बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में जो वापस लेने पे मजबूर कराए थे किसान, वही आंदोलन के तहत और एक डिमांड था इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो एक्ट का नतीजा आज ये है कि जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है, क्योंकि पहले तो इस तरीके से एक बॉडी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को ख़त्म करना, कॉन्स्टिट्यूशनली जो फेडरलिज्म है हमारा इसको ख़त्म करने की राजनीति करते हुए एक एक्ट बना के ऐसा दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर सप्लाई के ऊपर अपना फैसला नहीं कर सकते हैं। आज आके वो नुकसान कहाँ पर हो रहा है? किसानों को हो रहा है, जनता को हो रहा है। तो हमारा ये है कि भाई एटलीस्ट इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट के कैनाल्स वगैरह जो बने हुए हैं वो कैनालों को पानी छोड़ा जाए, और इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइमिंग्स और टाइम ड्यूरेशन ये दोनों बढ़ाए जाएं। इलेक्ट्रिसिटी जो है कम से कम 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई ज़रूरी है इस वक्त। किसानों को अगर ये पावर सप्लाई नहीं मिलता है तो इतना हालत होगा कि भाई शुगर केन फार्मर्स भी इस बार नुकसान में जाएंगे, या फसल ख़त्म हो जाएगी, या हॉर्टिकल्चर फार्मर्स बोलिए, सेरिकल्चर से कनेक्टेड फार्मर्स बोलिए, अक्वाकल्चर से कनेक्टेड फार्मर्स बोलिए, यहाँ तक के डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए किसान भी इस वक्त पानी के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनके जानवरों को जो पानी मिलना चाहिए था, जो मिलता था, वो कैनालों में पानी नहीं रहने से बहुत सारे जगह तकलीफ का मामला बना हुआ है। तो हमारा किसान सभा का, कर्नाटक प्रांत रहित संघ का यही डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए। साथ में कैनाल जो जहाँ कहीं बने हुए हैं, चाहे आप अफजलपुर तालुका ले लीजिए, चिंचोली ले लीजिए, या मागों का बेल्ट ले लीजिए, जो डैमों से अटैच्ड सारे कैनाल हैं, ये कैनालों को पानी छोड़कर किसानों को राहत का काम करने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़े। नहीं तो ये कोई मायने ही नहीं है कि आप इतने सारे मिनिस्ट्रीज बना के रखे हैं हर एग्रीकल्चर सर्विस सपोर्ट्स के लिए, वो एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विसेज का कोई मीनिंग ही नहीं है जब आपके मिनिस्ट्रीज काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है बीजेपी की किसान विरोधी नीति के ऊपर ना चले इस कर्नाटक का स्टेट गवर्नमेंट, और किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर ड्यूरेशन टाइम बढ़ाए। साथ में जो बरगाल का जो इशू है, जो ड्रॉट हुआ है गुलबर्गा में, इसके लिए गुलबर्गा के किसानों को परिहार डिक्लेयर किया जाए। और साथ ही साथ अभी ये एग्रीकल्चर को लेके जो एक लंबा चौड़ा जो मसला बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो लेके जाने की हरकत कर रही है, उससे नुकसान का क्या होगा, मैं एक सरसरी बता दूं। जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले साल दो साल में जिस तरीके से रेलवे ट्रेन से एक्सीडेंट्स हुए हैं, ट्रेन पटरी छोड़ के प्लेटफॉर्म पर जो चढ़ गई, ये इसी का नतीजा है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है कि आज इंसानों का, देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसी तरीके से प्राइवेटाइज करने की नीति के तरफ चला गया तो फिर इंसानों के हाथ में, किसानों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, जनता के हाथ में। फिर यहाँ पे यही होगा जिस तरीके से अभी इलेक्ट्रिसिटी को तरसाया जा रहा है, किसानों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है, किसान हो या जो भी ये पेशे से जुड़े हुए लोग अपना पेशा छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये होगा फूड सिक्योरिटी थ्रेट जैसी माहौल हो जाएगा। तो हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है, कर्नाटका गवर्नमेंट से, कि किसानों के साथ रहिए, किसानों का सपोर्ट कीजिए, और किसानों की डिमांड को सुनते हुए उनकी सारी मांगे पूरी कीजिए। हैदराबाद कर्नाटक भागदल्ले 480,061 जन नीरावरी पंपसेट रैतरिदारे। इवत्तु गुलबर्गा जिला तोगरिया नाडिनल्ले 88,031 जन पंपसेट रैतरिदारे। ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ 21,372 ಜನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ
ಆ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾದ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕೋಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಎಳ್ಳು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚೋಗಿದೆ. ರೈತರು ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನ ಬರ್ಬಾದಾಗೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಟಾವು ನಡೀತದ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಂಡ್ ಹೊಡಿತದ. ಇವತ್ತು ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಾಗ್ತದ, ಕಾಟ ಕಮ್ಮಾಗ್ತದ. ರೈತರು ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನು ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೇಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀರು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಷಕಾರಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಓಡಾಟ ಆಗ್ತದ. ರೈತರು ಪ್ರಾಣದ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ 3 ಫೇಸ್ ಇದು ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರ ಬೀದಿ ಪಾಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗನ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಬಾಳೆ ಹತ್ತಿ ಶೇಂಗಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಸುಟ್ಟರು ದಾದಿಲ್ಲ ಪುಕಾರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗ್ಲತ್ತು. 13-14 ದಿನ ಕತ್ತಿದ್ರು TC ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತರೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ TC ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆನ ನಾಯಿ ಮಲೆಯಾಗ ನಾಗಲಾಲಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ರೈತರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. TC ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ್ರಿ, ಕರ್ಸಿದ್ರೆ 8 ನಂಬರ್ ಲೈನ್ TC ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. 60 TC ಅದ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಏನದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿವಲ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ 2 ಸಲ ಹತ್ತದ. 60 TC ಅದ, 100 ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ. ನಾವು 2-3 ಸಲ ನಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ದಾದ್ರಿ. ನಮಗೆ ಏನದ TC ಬೇಕ್ರಿ. TC ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಮತ್ತೇನು ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆವು, ತಾಲೂಕು ಆಫೀ AW ಹೇಳಿದೆವು, SO ಹೇಳಿದೆವು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ರಟ್ಟು ಮಂದಿ ರೊಕ್ಕ ತಿಳ್ಕತ್ತಾರ, 80-90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮಳಿಯಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ, ಮಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಳಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯದ. ನಮಗೆ TC ಬೇಕ್ರಿ. TC ನಮಗೇನದ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಹಿತೇವು. ರೈತರಿಗೆ 12 ಲೈನ್ ಬರ್ತದ, 12 ಲೈನ್ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಲೈನ್ ಬರ್ತದ, 5 ತೆಗಿತಾರ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕೋಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಆಗ್ರಿಂದ ಒಂದು 5ರ ತನಕ ನೀರು ಉಣಿಸಿ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಾವು ಹೊಡೆದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋ ಅದ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಕಬನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ TC ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಟ್ಯೂವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಹಾವು ತಳಗದ, ಹುಲ್ಲಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ನಾವು 17-18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ದಿಣೆ ಆಗ್ಯದ. 3-4 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಒಣಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ, ಕಬ್ಬು ಒಣಗ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಮಳೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ರಾಮ ಸೈಯದೇನೋ ಉಳಿದಿದ್ದೇವು. ನಮ್ಮ TC ಕೊಡ್ರಿ, TC ಕೊಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟೆ TC ಕೊಡಲಾಗ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ. ರಾತ್ರಿ 12 ಲೈನ್ ಬರ್ತದ, 5ರ ತನಕ ಉಣಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕೋಬೇಕೇನಿಲ್ಲ. ರೈತರು ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಮದ್ರೆ ತಿತ್ತಿರಲ್ಲ. ರೈತ ಇದ್ರೆ ದೇಶ ಅದ, ರೈತ ಇದ್ರೆ ದೇಶ ಅದ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದ, ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರಿ. ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೊಕ್ಕ ತಿತ್ತಿರಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದ ಖಾರ. ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಒಣಲಗತ್ತಾವ. ಹಾಂ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅರೆ ಒಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. 2-3 ತಾಸು ಹೋಗ್ತಾವ. ಡಿವಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ TC ಬಲ್ಲಿ ಡಿವಲ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಪವರ್ ಕಂಪ ನಮ್ದು 300-400 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದ. ಮೋಟ್ರ್ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪವರ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮ ಅದ. ರಾತ್ರಿ 12 ಬರ್ತದ ಲೈನ್. ಅಬ್ಜಾಪು ತಾಲೂಕು ಕರ್ಜಿದ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ರಾತ್ರಿ 12 ಬಂದ್ರೆ 5 ಕೊಡ್ತಾರ. 12 ಎದ್ದು ನಾವು ನೀರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಉಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾವ ಚೇಳ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಳಿತೋ ಯಾವಾಗ ಸಹಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಇಮಾನ್ದಾರ್ TC ನಮ್ಮದು.
This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.